राधे राधे जी, आप सभी का बहुत स्वागत है मेरे चैनल वासु टिप्स फॉर होम में। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में पेड़ पौधे नदियों से लेकर पशु पक्षियों तक ईश्वर का स्वरूप मानकर पूजा अर्चना की जाती है। गाय को तो माता के समान सम्मान देते हुए माता के रूप में पूजा की जाती है और धर्म शास्त्रों के अनुसार मान्यता है कि गाय के शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास माना जाता है, सभी तीर्थों का वास माना जाता है। अगर कोई भी व्यक्ति नियमित रूप से 1 माह तक या 11 दिन तक गाय के शरीर पर सुबह शाम हाथ फेरते हुए इस मंत्र का उच्चारण करता है, 7 परिक्रमा लगाता है, तो उसकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र पूरी होती हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम मंगलवार के दिन गाय माता को क्या खिलाना चाहिए और नियमित रूप से गाय की कैसे परिक्रमा करनी चाहिए उसकी जानकारी दे रहे हैं, जिसके करने से आपके जितने भी ग्रह दोष हैं, पितर दोष हैं, नवग्रह दोष दूर होते हैं और आपकी मनोकामना शीघ्र पूरी होती है। दोस्तों, उसकी जानकारी देने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें, बगल में बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे मेरे आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। दोस्तों, गाय माता की महिमा का बखान हमारे धर्म शास्त्रों में, ग्रंथों में ऋषि, संत, महात्मा, अनेक महापुरुषों ने अपने अपने शब्दों में अनेक बखान किए हैं। अपने अपने शब्दों में भगवान कृष्ण ने स्वयं भगवद गीता ग्रंथ में कहा है कि मैं गायों में कामधेनु हूँ। स्वामी विवेकानंद ने तो यहाँ तक कहा है कि गाय की परिक्रमा करने से संपूर्ण ब्रह्मांड का परिक्रमा हो जाती है, उसका पुण्य स्वतः ही मिल जाता है। यहाँ तक कि दोस्तों, मुस्लिम संत रस खान ने कहा है कि यदि ईश्वर मुझे दोबारा धरती पर जन्म दे तो मैं पशु के रूप में गाय के गर्भ से जन्म लेना चाहता हूँ। भगवान शंकर की सबसे प्रिय बेलपत्र भी गाय के गोबर से उत्पत्ति हुई है। दोस्तों, गौ माता की महिमा का अनेक ग्रंथों में बखान मिलता है। गौ माता को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की दात्री माना गया है, कामधेनु माना गया है। इनकी पूजा करने से हर मनोकामना, हर इच्छा अवश्य पूरी होती है। दोस्तों, अगर आप गाय माता की नियमित रूप से पूजन करके उसकी 7 परिक्रमा करते हुए इस मंत्र का उच्चारण करते हैं तो निश्चित ही आपकी मनोकामना पूरी होती है। दोस्तों, मंगलवार के दिन अगर आप लाल रंग की गाय को या फिर ब्राउन रंग की गाय को अगर अपने घर की बनी हुई 2 रोटी, थोड़ा सा गुड़ रखकर अगर अपने हाथ से खिलाते हैं, देखिए कभी भी गाय माता के आगे रोटी फेंक कर नहीं देनी चाहिए, अपने हाथों से खिलाना चाहिए। और गौ माता की देखिए नियमित रूप से गौ माता की विधिवत पूजा के साथ उसे सहलाना चाहिए। गाय की पीठ पर, मुंह पर हाथ फेरने से गाय माता अति प्रसन्न होती है, क्योंकि गाय माता को बहुत अधिक आराम मिलता है। अगर गाय माता प्रसन्न होती है तो उनके आशीर्वाद से ऐसी कोई भी मनोकामना नहीं है जो पूरी ना हो। दोस्तों, अगर आप मंगलवार के दिन रोटी नहीं खिला सकते तो आप चाहे हरा चारा ही खिला दें और गाय माता की विधिवत पूजा करें। और गाय माता की देखें नित्य प्रति आपको 11 दिन तक, 1 महीना या फिर 11 दिन तक अगर आप गाय की विधिवत पूजा करते हैं, गाय माता को सहलाते हुए यानी उसकी पीठ पर, सिर पर, माथे पर हाथ फेरते हुए परिक्रमा लगाते हैं, 7 परिक्रमा लगानी है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए अगर आप नित्य प्रति 7 परिक्रमा लगाते हैं गाय माता की, तो निश्चित ही आपके जितने भी ग्रह दोष है वो भी दूर होते हैं। अगर आपको देखे कोई परेशानी चल रही है, बीमारी चल रही है, रोगों से मुक्ति मिलती है। और अगर आपके बिजनेस में, व्यापार में, नौकरी में अगर आपको तरक्की नहीं मिल रही, कोई ना कोई रुकावट आ रही है, तो निश्चित है वो भी दूर होती है। दोस्तों, अगर आप नियमित रूप से 11 दिन तक गाय माता की 7 परिक्रमा लगाते हैं और हाथ फेरते हुए और साथ ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए, तो निश्चित ही आपकी जो भी मनोकामना है वो शीघ्र पूरी होती है। दोस्तों, भगवान कृष्ण ने स्वयं भगवद गीता में कहा है कि जो भी गौ माता की सेवा करता है तो मैं उसके सभी कष्टों को हर लेता हूँ, उसके जीवन में कोई भी परेशानी, कोई भी संकट को मैं रुकने नहीं देता। तो दोस्तों, इतना चमत्कार है, इतना महत्व है गौ सेवा का। अगर आप सच्चे मन से अगर देखें कभी भी गौ माता के लिए कोई भी दुर्विचार या कभी भी कोई हानि ना पहुँचाएँ और सच्चे मन से अगर आप गौ सेवा करते हैं तो उसका चमत्कार आपको 11 दिन में ही दिखेगा। चाहे कोई भी जीवन की परेशानी हो, कोई भी मनोकामना हो, आप इस छोटे से उपाय को करके देख लीजिए, आपके जीवन की हर परेशानी, हर संकट अवश्य दूर होगा। दोस्तों, इस उपाय को अवश्य ही करें, आपको 100% लाभ मिलेगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी, वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक अवश्य ही करें। आप सभी को राधे राधे।